अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बीनेश उमेर एंड वेलकम टू माय चैनल देसी मॉम व्लॉग्स। अगर आपके पास 5 मिनट है और थोड़ा सा फ्री है तो आज की वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इट कैन हेल्प मी ग्रो। कल या परसों जो है मुझे व्हेन आई वेंट टू माय चाइल्ड स्कूल आई वाज गिवन अ फॉर्म टू सेलेक्ट एक्टिविटीज़ फॉर माई चाइल्ड फॉर एक्स्ट्रा को करिकुलर पीरियड। डिफरेंट स्कूल में मॉड्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के पीरियड होते हैं, या अगर स्कूल में ना भी ऑफर हुए हुए हों तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, स्टीम हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट, कोडिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्योंकि वी ऑल पेरेंट्स वॉन्ट कि अकेडमिक्स के अलावा भी हमारे बच्चे कोई ना कोई स्किल्स सीख रहे हों। चलिए, ये बात तो तय है कि बच्चों को स्किल्स एकेडमिक के अलावा सीखनी चाहिए, बट पता है कन्फ्यूजन कहाँ आती है? कन्फ्यूजन तब आती है जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सी एक्टिविटीज़ इतनी बड़ी लिस्ट में से हम अपने बच्चों के लिए चूज़ करें। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू चूज़ एक्टिविटीज़ और स्किल्स कोर्सेज फॉर आर किड्स सो दैट इट कैन सर्व इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आर किड्स, और हमारे बच्चे वाकई जो है उन कोर्सेज से या उन एक्टिविटी के पीरियड से कुछ सीखें। ये नहीं कि बस बगैर इंटरेस्ट के गए और वो वक्त गुजारा और घर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त लग रहा होता है, एनर्जी लग रही होती है, रिसोर्सेज लग रहे होते हैं। सो किड्स शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड पेरेंट्स शुड बी हैप्पी अबाउट द चॉइस दे मेड फॉर देयर किड्स। टिप नंबर वन, पहले देखें कि कौन कौन से कोर्सेज या स्किल्स ऑफर किए जा रहे हैं। यू हैव टू स्क्रोल एंड स्क्रूटिनाइज द इंटायर लिस्ट विच इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय द स्कूल। जितने भी मॉड्यूल्स ऑफर किए जा रहे हैं, जितने भी लिस्ट है, जितने भी कोर्सेज हैं, उनको गौर से देखें, समझें कि भाई ये कोर्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल ओरिगेमी है तो क्या आपको पता है कि ओरिगेमी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टीम है तो क्या आपको ये भी पता है कि स्टीम का फुल फॉर्म क्या है? अगर आर्ट्स एंड क्राफ्ट है तो क्या प्रोजेक्ट्स हैं? अगर ग्रीन गोल्स का कोर्स है तो उसमें क्या प्रोजेक्ट्स है? मेक श्योर कि आप अपनी रिसर्च अपने एंड से करें। अगर स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से कुछ सवालात करने हैं अपनी क्यूरियोसिटी को कैटर करने के लिए तो वो भी ज़रूर करें। आपको पता होना चाहिए कि अगर स्टीम का कोर्स है या आर्ट्स एंड क्राफ्ट का है या आईटी का है या कोडिंग का है या ग्राफिक डिजाइनिंग का है तो उसका लेवल क्या है? इज इट अ बिगनर लेवल? इज इट अ मिडिल लेवल? इज इट अ एडवांस लेवल? कौन से एज ग्रुप के बच्चों के लिए वो ऑफर हो रहा है और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बच्चे काम करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव डन योर रिसर्च देन कम्स द स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में आप ये देखें कि आपको इनिशियल स्टेज पे सेलेक्ट कितने करने। फॉर एग्जाम्पल हमें ये चॉइस मिली थी कि आप 3 प्रेफरेंसेस अपने बताएं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सो दैट अगर फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे बच्चों को अकोमोडेट किया जाता है। जाहिर अगर स्पोर्ट्स क्लब है या स्पोर्ट्स का एनरिचमेंट क्लब है तो सारे बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, कैपेसिटी फुल हो जाएगी ना। सो मेक श्योर दैट यू नो हाउ मैनी प्रेफरेंसेज यू कैन लिस्ट डाउन, और फिर प्रेफरेंसेस के हिसाब से आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं बच्चों को उसमें इनरोल करा दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें बेसिकली चेक करना है कि बच्चे की इंक्लिनेशन किन कोर्सेज की तरफ है, किन स्किल्स की तरफ बच्चा ज़्यादा बेहतर तवज्जो दे सकता है और वो शायद बेहतर तरीके से सीखेगा। देखें, पहली चीज जो है ना अपने माइंड में क्लियर रखें कि इट्स अ नॉन एकेडमिक एक्टिविटी। यहाँ पे हम पढ़ने लिखने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिकल वे से, या इट कैन बी फन, इट कैन बी एनरिचमेंट, इट कैन बी यू नो इट कैन बी अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग। तो भाई पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा साइड में रख के ये सोचें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अब मसला ये आता है कि हमें ये नहीं समझ आता कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। छोटा बच्चा है तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है? वेल, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैंने फॉलो की, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ये किया कि जब टीचर बता रही थी ना सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्स कि इस प्रोजेक्ट में ये होगा, इस प्रोजेक्ट में ये होगा, तो पहले भी मुझे लगा अरे वाह ये अच्छा है, दूसरे पर मुझे लगा अरे नहीं ये भी अच्छा है, तीसरे पे जब उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई तो मैंने थोड़ा सा अपने माइंड में और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया एंड आई वाज लाइक कि स्टीम के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होंगी, ब्लॉक्स एंड यू नो इंजीनियरिंग एक्टिविटी, एंड देन इट क्लिक माई माइंड कि बाकी दो थे तो अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे, लेकिन
जो तीसरा वाला उन्होंने बताया है वो हसन के हिसाब से बड़ा सूटेबल है, क्योंकि आई नोटिस कि हसन को बिल्डिंग ब्लॉक्स का बहुत शौक है, वो क्रिएटिव है, ही लाइक्स टू बिल्ड न्यू स्टफ, ही लाइक्स टू यू नो क्रिएट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम ब्लॉक्स, मैंने उसको डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स दिए हुए, तो इट हेल्प मी टू चूज के यस फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी स्टीम, तो मैंने जो है स्टीम लिख दिया। स्टीम का फुल फॉर्म तो पता है ना आपको, नहीं पता तो गूगल करें, और अगर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो इस तरह से आप अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एनिमल्स का बहुत शौक है तो वो जूलॉजी या इस तरह के जो एनिमल्स रिलेटेड सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं। अगर बच्चों को प्लांटेशन या गार्डनिंग का शौक है तो वो गार्डनिंग वाली एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स का बहुत शौक है तो स्पोर्ट्स कर सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट या ड्रॉइंग का है, स्केचिंग का है, तो वो भी कर सकते हैं। असल में मसला ये होता है कि हम पेरेंट्स जो है ना क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ट्रेंडिंग क्या है, जो ट्रेंडिंग चीज़ है ना वही बच्चे के लिए सेलेक्ट कर लें। नो, ट्रेंडिंग वर्सेस इंटरेस्ट, हम वो चीज़ नहीं चूज करेंगे जो ट्रेंड कर रही होगी। जैसे कभी कभी रोबोटिक्स ट्रेंड कर जाता है, कोडिंग ट्रेंड कर जाती है, या ग्राफिक डिजाइनिंग। येस, दीज स्किल्स शुड बी टॉट एंड शुड बी केप्ट इन प्रेफरेंस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यार जब बच्चे को ग्राफिक डिजाइनिंग में या क्रिएटिव इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्यों जो है खुश होगा इस कोर्स के बारे में। यू हैव टू थिंक इट वाइजली। जरूरी नहीं है कि अगर आपका बड़ा बेटा IT स्किल्स में मास्टर है तो आपका छोटा बच्चा भी होगा या आपकी बेटी भी होगी। यू हैव टू चूज स्टफ विच सूट्स योर चाइल्ड एंड नॉट द वन विच इज ट्रेंडिंग। सो दीज वर द टिप्स विच हेल्प्ड मी चूज मॉड्यूल्स फॉर माई किड्स, और आई होप दिस विल बी अ बेटर डिसीजन फॉर माई किड्स। आप कैसे चूज करते हैं अपने बच्चों के लिए एक्टिविटीज, किस तरह से इनरोल कराते हैं और कहाँ कहाँ ले जाते हैं उनको एक्टिविटीज के लिए, मुझसे जरूर शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और टिप्स आपको प्रैक्टिकल लगी तो वो भी मुझे बताइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।